हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा वापस है स्वाद ऑफिशियल चैनल पे। तो हम आज वापस आ चुके हैं स्टैचू सर्कल जयपुर में, और आज हम वापस एक्सप्लोर करने वाले एक ऐसा फूड ट्रक जो चलाते हैं ब्यूटीफुल कपल, जिनको जिनसे मैं आपको मिलवाने आया हूँ यहाँ पे। और इनके जो फूड है वो बहुत ही यूनिक है, और जो इनकी दाबेली है वो उसका जवाब नहीं है। तो मैं सुनाता हूँ उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उन कपल से और उनसे पूछते हैं कि इनका ये स्टार्टअप उनका कैसे स्टार्ट हुआ, कितना टाइम हो गया है, उनके माइंड में ये फूड ट्रक खोलना कैसे आया। तो लेट्स गो। थैंक यू मैम, आपने मुझे टाइम दिया। तो मैम पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजना है। अच्छा मैम, और आपके हस्बैंड और आप चलाते हैं ये कार? नहीं, ये सिर्फ मैं चलाती हूँ। अच्छा। ये मेरा पैशन है। अच्छा। ये मेरे को सपोर्ट करने इवनिंग्स में आ जाते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे आया माइंड में कि आपको एक फूड ट्रक खोलना है? एक्चुअली शुरू से मन में था कि कुछ अपना कुछ ऐसा फूड ट्रक खोल के अपना पैशन फॉलो करना है। तो जब बच्चे मेरे सेटल्ड हो गए बाहर जाकर, तो फिर मैंने अपना फूड ट्रक स्टार्ट कर लिया। तो क्या स्पेशल आपके फूड ट्रक में जो आप हमें आज खिलाने वाली हैं? मेरे आइटम सारे बहुत यूनिक है। आपको दाबेली भी ऑथेंटिक कच्छ का टेस्ट मिलेगा, मिसल पाव आपको ऑथेंटिक कोल्हापुर का टेस्ट मिलेगा, गार्लिक रोल, न्यूटेला रोल ये मेरी रेसिपी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। समोसा पाव भी महाराष्ट्र का आइटम है, बहुत बेसिक है बट बहुत डिफरेंट टेस्ट है। मिसल समोसा चाट मैंने उसको इन्वेंट किया कि समोसे के साथ मिसल बहुत अमेजिंग लगता है। और खास मई तो है कि इतना सब कुछ थोड़ा सा स्पाइसी खाओ तो पेट को ठंडक देने के लिए, ये भी मेरा बहुत डिफरेंट है। इसमें कोई मसाला नहीं, सोडे के साथ में चिया सीड्स मिंट लीव्स इसके साथ बनाया मैंने। तो मैं आप टाइमिंग बता सकती हैं आपके फूड ट्रक की? हम लोग आए 5:30 to 11। जैसे आपने मैम के जबानी सुनी कि इन्होंने फूड ट्रक कैसे स्टार्ट किया, तो अब चलते हैं इनका स्पेशल दाबेली खाने। और उससे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन की कैसे बनाते हैं ये लोग। तो आइए चलते हैं अंदर। यहाँ पे होने जा रहा है हमारा दाबेली। तो भैया ने क्या क्या लगाया है? इसमें गार्लिक पेस्ट है और इमली की चटनी है। गार्लिक पेस्ट और इमली की चटनी। और क्या क्या आएगा इसमें? इसमें दोनों साइड दो चटनी लग गई और अंदर ये मसाला है इसके अंदर। तो इस मसाले में क्या क्या डालते हैं आप? मूंगफली है, अनार है, प्याज है। मूंगफली, अनार और प्याज है। अच्छा, कच्चे केले का मसाला। अच्छा, 5% आलू डालते हैं इसके अंदर। हाँ जी, बनाइए। इसमें मूंगफली, अनार और प्याज वगैरह मिक्स करके फिर ये करते हैं। तो मसाला हम अपने हिसाब से वो एडजस्ट करवा सकते हैं ना, जैसे स्पाइसी खाना हो। अभी आ चुका है बटर, कस्टमाइज ये आ चुका है बटर और ये पाव सिक रहे हैं। दोनों तरफ मसाला लगा के। तो बटर आप कौन सा यूज़ करते हैं सर? अमूल बटर। अमूल बटर में होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ से सिकाई होती है। चारों तरफ से? हाँ। अच्छा, लादी पाव है। इसके दो पीस कर देते हैं। इसमें जीरो नंबर नमकीन, इसमें थोड़ा सा नमकीन में हो रहा है। जीरो नंबर, जीरो नंबर। इसके साथ में ग्रीन चटनी। ये किसकी होती है ग्रीन चटनी? धनिया की। अच्छा, ये भी बहुत स्पेशल आती है। स्पेशल आती है, और ये हमारी दाबेली रेडी है। अब बनवा लेते हैं अपना रोल जो यहाँ का स्पेशल आइटम है। तो आइए, इसको रोटी के जैसे बेलते हैं। रोटी जैसे बेलते हैं। तो क्या बना रहे हो आप हमारे लिए वैसे इस ब्रेड का? गार्लिक रोल। गार्लिक रोल, बिंज स्पेशल, यहाँ का स्पेशल गार्लिक रोल है ये। इनकी सारी ब्रेड इन्होंने पहले से ही यहाँ पे बेल के रख लेते हैं। बेल के रख देते हैं ये लोग। और यहाँ के दो ब्रेड, इनके कोनेज जो कोना है वो काट के रखे हैं इन्होंने। इसके अंदर स्प्रेड लगता है। इसे किसका पेस्ट है बता सकते हैं आप? इसमें काफ़ी चीज़ है सर, जैसे बटर है, चीज़ है, प्याज है। अच्छा, लहसुन है, अदरक है, जिंजर, मतलब आपका क्या यूनिक आइटम ही है। क्लियरिंग करते हैं। पत्ता गोभी की थोड़ी सी क्लियरिंग होती है। यहाँ पे ये पेस्ट लग चुका है, देखिए दोस्तों। और अब जाएगा इस पे पत्ता गोभी, कैबेज।
अभी थो अभी रोल होके अभी ये भी सीखेंगे। हाँ, ये भी अमूल बटर के अंदर, ये भी अमूल बटर के अंदर ही सीखेंगे। ये आ गए। इसी तरीके से जो होटल रोल जो है, हाँ, उसका ये केबिस अलग लगता है इसका, उसमें फ्रूट दिया जाता है कीवी काट करके, और ये अच्छा, हाँ उसे ही बनेगा, इसमें फ्रूट देते हैं केवी केले, हाँ वो डेजर्ट हो गया टाइम में, केवी और हाँ, बनाना वो डेजर्ट आ गया फ्रेश फ्रूट के साथ। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक यूनिक आइटम जहाँ का स्पेशल है गार्लिक रोल, हमारे रेडी होने वाले हैं और ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मैम की रेसिपी है, ये जाके ऑनर जो मैम है जिनसे आपके हमने बात करवाई थी, ये उनकी स्पेशल रेसिपी है जो उन्होंने इन्वेंट करी है, वो से आपको यहीं पे आके मिलेगा। रिसर्च करके बनाया, रिसर्च करके बनाई है उन्होंने। हाँ, ये वन साइडेड सीख चुका है, अभी सेकेंड साइड। तो यहाँ पर हमारे रोल बन के रेडी हैं, अब इनके पीसेज हो रहे हैं, अभी सर्व होने वाले हैं। इसके अंदर केचप आ चुकी है और ग्रीन चटनी। ये हमारा गार्लिक रोल भी तैयार है। तो आ चुका है यहाँ पे हमारा दाबेली, ये देखिए आप, नमकीन और वरना बहुत सारे मसाले डले हुए इसमें विद हरी चटनी। तो खाते हैं, बताते हैं इसका रिव्यू कि कैसा लगा। बहुत ही सॉफ्ट, और उसमें जो मसाले हैं जो अंदर डले हुए हैं उसका तो टेस्ट ही लाजवाब बताता हूँ मैं, बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। और चूँकि ये गार्लिक रोल है, ये पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैम की स्पेशल रेसिपी है। तो पहले ये ट्राई करते हैं, हरी चटनी, थोड़ी सी केचप, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और जो गार्लिक का जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही ऑसम आ रहा है। अगर मेरे रिव्यू की बात करें तो इसमें 1% की कमी नहीं है, 1% की जावे में मैं बता सकूं कि यहाँ पे इस चीज़ में कमी है। आप ये जो दाबेली कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने हिसाब से, आपको कितना स्पाइसी चाहिए, कितना नॉर्मल चाहिए। और ओवरऑल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का कॉन्सेप्ट, और मेनली जो ये फूड ट्रक की जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ एक बार यहाँ पर विजिट करिए। अब मिलते हैं आपको बाद में, जब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए। अलविदा।